हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हम जो है ब्रीफली से डिस्कस करेंगे और क्या जो है आपके आने वाले जो परीक्षा है 2022 में, जो अभी हाई कोर्ट की क्लर्क, प्रोसेस सर्वर और जीओ की जो परीक्षा होने वाली है, उसके सिनेरियो से क्या क्या करंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम इसको वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोस रिवर फ्रॉम बिलासपुर, ऐसी रिवर जो बिलासपुर से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, वो कौन है? सतलुज। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हाउ मैनी असेंबली सीट डज चंबा डिस्ट्रिक्ट हैव, तो चंबा में कितनी विधानसभा की सीटों की संख्या है? तो टोटल है इसमें 5, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो हिमाचल जो एचपी जो है, एचपी विधानसभा की जो है अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में एचपी विधानसभा के, तो इसमें कुल सीटों की संख्या जो है कितनी है? 68। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोट कहलूर असेंबली सीट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कोट कहलूर जो असेंबली सीट है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है बिलासपुर, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बिलासपुर को जो है, बिलासपुर का थोड़े से फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बिलासपुर की जो भाषा है उसको कहलूरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन और भी बनता है बिलासपुर से कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, तो बिलासपुर का पुराना नाम जो था बियासपुर, तो उसको भी आपने याद रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिकांगपियू। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ताबो मिनिस्ट्री इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। तो ये एग्ज़ाम में ताबो मिनिस्ट्री के बारे में एग्ज़ाम्स में कई बार, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्टेड रनिंग ऑन द कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन, तो टॉय ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1903 में, ऑप्शन जो ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन की। तो दोस्तों पहले तो एक बात बता दूं आपको, ये जो है कुल 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। ठीक है, और इसे जो है यूनेस्को की हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में जो है डाला गया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो उसको आपने याद रखना है, 8 जुलाई 2008 को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि जो शिमला की जो रेलवे लाइन है, इसका जो संबंध है किस अंग्रेज़ से संबंधित है, कि कौन सा अंग्रेज वाइसराय था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, एक शिमला का क्वेश्चन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और भी बनता है कि शिमला जो है ब्रिटिशकालीन भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कब रही है? तो इसका राइट आंसर है 1864, इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पा के फैक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिप्पा का जो ये हिप्पा जो है फेयरलांस शिमला में स्थित है। अब इसकी बात आती है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1 जैन 1974 को की गई है, इसको भी आपने याद रखना है। साथ में एक और बात बता दें कि हिप्पा के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? के एस कटोच, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। हिप्पा के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? के एस कटोच, और जो प्रेजेंट में है वो कौन है? डी वी एस राणा, इनको भी आपने याद रखना है करंट सिनेरियो के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 38 नंबर, इन विच ईयर वाज द यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज एस्टेब्लिश एट नौणी, तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की गई है, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर रहेगा। तो दो तीन यूनिवर्सिटी और हैं, उनकी बात कर लेते हैं हिमाचल की। पहला आता है एचपीयू, दूसरा आता है सीएसके, एचपीकेबी, और तीसरा आता है वाईएस परमार यूनिवर्सिटी। एचपीयू की स्थापना जो है 1970 में की गई है,
सीएसके की स्थापना जो है वो 1978 में की गई है, और जो यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकी 1985 में की गई है। तो दोस्तों एक बार से फिर से आपने याद रखना है, एचपीयू की स्थापना 1970, सीएसके यूनिवर्सिटी की स्थापना 1978 और बाईएस परमार की 1985। एक और बात करते हैं एचपी बोस की, तो एचपी बोस की जो स्थापना है 1969 में 1969 में की गई है, जिसका पहले ऑफिस हेड ऑफिस जो था शिमला में स्थित था, पर उसे जो है 1983 में धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप, हिमाचल प्रदेश जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये ड्रो, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो नैना देवी टेम्पल है वो तो पहले इसकी बात करें तो ये बिलासपुर ज़िले में आता है, बिलासपुर ज़िले में आता है, और इसे जो बनाया गया है वो किसने बनाया है, राजा बीरचंद चंदेल ने, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। और इसको इस मंदिर को जो है 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन हॉनर ऑफ विच डाइटी, कुल्लू का दशहरा जो है किस देवता की याद में मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भगवान रघुनाथ। ठीक है, तो कुल्लू के दशहरे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये इसके बारे में कि कुल्लू का दशहरा कहाँ पे होता है, तो ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में होता है। और एक और भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू का दशहरा कब शुरू किया गया था, तो इसको 1651 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नलवाड़ मेला हेल्ड रिसेंटली इन मार्च 2019 इज़ द फेयर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो नलवाड़ी मेला जो है ये बिलासपुर का है। ठीक है, इसमें बैलों की खरीदारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 44 डुगरी फेयर इन मनाली इज़ डेडिकेटेड टू विच डाइटी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है हडिम्बा देवी। तो डुगरी फेयर जो है किसकी याद में मनाया जाता है, माँ हडिम्बा देवी के याद में। तो दोस्तों एक और बात बता दें, देवी हडिम्बा देवी जो है ये कुल्लू की कुल देवी, कुल्लू की जो है ये कुल देवी भी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हडिम्बा देवी टेंपल का निर्माण जो है किसने करवाया है, तो हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने किया है, इसको आपने याद रखना है, इस राजा बहादुर सिंह ने, और किस ईस्वी में किया गया है, 1553 ईस्वी में। और ये जो मंदिर है ये पगोड़ा शैली का है, पगोड़ा शैली। तो दोस्तों कि आपने एग्ज़ाम्स के लिए कि याद रखना है कि जो मंदिरों की शैलियाँ हैं वो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, अ फेयर बीच इज़ हेल्ड इन ऑनर ऑफ जामलू देवता, तो जामलू के देवता की याद में जो कौन सा मेला मनाया जाता है, तो ये है मलाना फेयर। मलाना जो है कुल्लू में स्थित है, और मलाना जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। जामलू देवता जो है, जामलू देवता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जामलू देवता जो हैं भगवान परशुराम के पिता थे, भगवान परशुराम के पिता थे, जिन्हें ऋषि जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रानी का ताल इज़ पार्ट ऑफ, रानी का ताल जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है सिरमौर में, ये है रानी का ताल। एक और है हिमाचल में रानी ताल, रानी ताल ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इन दोनों को ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कुल्लू रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर, नगर में जो है कौन सा राजा शासन करता था, तो इसका जो सही उत्तर है उत्तम पाल, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 48 सोनितपुर इज एंशंट नेम ऑफ, सोनितपुर जो है पुराना नाम किसका था, तो इसका जो राइट आंसर है ये है सराहन का, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 49 कि किस मुग़ल शासक ने कांगड़ा की यात्रा की थी 1622 ईस्वी में, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है जहांगीर, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इस क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य का दर्जा, 18th स्टेट बनी थी ये 25 जनवरी 1971 को, और यशवंत सिंह परमार को जो था पहला मुख्यमंत्री चुना गया था। ठीक है, यशवंत सिंह परमार जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, कई बार उनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो ये छैलॉग गांव है आपका बागथन के नज़दीक सिरमौर में, तो इसको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 51, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हम जो है ये पुराने क्वेश्चन पेपर है 2019 का, हम 2019 की बात नहीं करेंगे, अभी हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे, जो 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा या 23 में, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट के जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है मजहब अस्तम सैयद। तो आपने जो है इनका नाम जो है याद रखना है, क्योंकि आप हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये जो भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जैसे जेओ है आपका, क्लर्क है और प्रोसेसर है, तो इन तीनों में जो है ये नेम पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो है चीफ जस्टिस का नेम तो आपने लर्न कर लेना है। तो ये कितने बने हैं आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 27। ठीक है, इनसे पहले जो थे मोहम्मद रफ़ीक जो थे 26वें चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, पर अभी वर्तमान में जो हैं मजहब अस्तम सैयद जो हैं 27वें जो हैं चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वेयर वाज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ शिमला। तो ओल्ड जो हाई कोर्ट था शिमला का, वो कहाँ स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये था आपका रावेंसवुड में। तो रावेंसवुड में जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट स्थित है। तो HP हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब की गई है? ये 25 जनवरी 1971 को जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो प्रेजेंट में जो सिटिंग जज है हिमाचल प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो अभी हम 2022 के सिनेरियो के हिसाब से हम बात करेंगे, पिछली बात नहीं करेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं, प्रेजेंट जो हैं 11 जो हैं सिटिंग जज हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 2022 में। ठीक है, पर आपसे एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है मैक्सिमम कितने जो है सिटिंग जजों की संख्या है? तो मैक्सिमम जो संख्या है वो है 17। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जिसमें 13 जो होते हैं परमानेंट हैं और 4 जो हैं एडिशनल होते हैं, तो इनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस हमदुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फीमेल जज इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो फीमेल जज है वो कौन है? तो ये भी जो है 2019 के सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था कमलेश शर्मा था, पर अभी हम जो है 2022 के सिनेरियो के हिसाब से बात करेंगे। तो 2022 में दो फीमेल जजेस हैं एट प्रेजेंट, जिनका नाम है शबीना और दूसरे का नाम है ज्योत्सना, JYOTSNA ज्योत्सना रेवल दुआ। तो इन दोनों के नेम जो है आपने याद रखने हैं, सबीना और ज्योत्सना। अगला प्रश्न है 56, द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है 2016 में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये तो हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की। एक और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि HP हाईकोर्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो लॉ से संबंधित जो है काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक है HPUILS, जिसको आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। इसकी स्थापना जो है 2004 में की गई है और ये चौड़ा मैदान शिमला में स्थित है। तो इसको भी आपने जो है हिमाचल प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसको तो आपने याद रखना ही है, साथ में आपने जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट
ऑफ लीगल स्टडीज़ जो है इसको भी आपने याद रखना है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई है और ये चौड़ा मैदान शिमला में स्थित है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी जो है कहाँ स्थित है, तो इसका ये घंडल शिमला में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जस्टिस धर्मचंद चौधरी। ठीक है, इसकी एक और चीज़ बात रखेंगे, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है 2005 में। ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो 2022 में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का, जीओ का और प्रोसेसर का सर्वर का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको फैक्ट्स को आपने एक को नोटबुक में लिख लेना है और इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना जो है 1987 में की गई है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इनको जो है याद रखना है। इनमें से कोई भी फैक्ट जो है HP हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 60, हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका अशोक शर्मा, ऑप्शन ए। दोस्तों अभी प्रेजेंट वर्तमान में एक और चीज़ आपको बता दूँ, प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ HP, इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है अशोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं समर हिल में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सिनेमा हॉल ऑफ शिमला ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है मैनमोर मेंशन, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ज्वालामुखी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ज्वालामुखी जो है ये कांगड़ा में आता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर गोडेस सुलोनी। सुलोनी जो है किसका, किस गोडेस के नाम पर है, सोलन का नाम जो है सुलोनी माता के नाम पर रखा गया है। जैसे कि आपको एक और बता दें, जैसे शिमला का नाम जो है माता श्यामला देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तीसरा बात करेंगे हम चंबा का जो नेम है, रानी नैना देवी की पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया है। तो तीनों को आपने याद रखना है, सुलोनी माता के नाम पर सोलन का, श्यामला देवी के नाम पर शिमला का, और चंबा का नाम जो है चंपावती के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगलशिप असेंबली। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड टुक प्लेस इन कांगड़ा। तो ये जो है 4 अप्रैल 1905 को जो है कांगड़ा में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था, 4 अप्रैल 1905 में, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग जो थे मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बंगला इज़ लोकेटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है कुफरी शिमला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जो सेंसस है 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन जो है 68 लाख है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। दोस्तों एक और बात बता दूं, जो HP का सेंसस है 2011 का, उसको आपने पूरा ही रीड कर लेना है। सेंसस में से जो है हर बार जो है हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। तो सेक्स रेशो जो है वो क्या है, 974, 974/1000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तो 123 वर्ग किलोमीटर, 123 स्क्वेयर किलोमीटर, इसको भी आपने याद रखना है। ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द सिटी, बिच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन है, ऑप्शन सी शिमला। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।